शंकर भगवान ने ना, शंकर भगवान ने पार्वती माँ को सोने का महल गिफ्ट किया था, उनको तोहफे में दिया था, ये तो मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ ही दिन बाद ना, कुछ ही दिन बाद वो सोने का महल पार्वती माँ को, मतलब पार्वती माँ का नहीं रहा था। कारण क्या है? कारण है रावण। अब रामायण के अंदर या आप और जगह भी उठाओगे ना, तो रावण काफ़ी जगह हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। अब रावण को क्या हुआ? रावण था भाई बहुत तगड़ा भक्त, आपको पता है, भोले भंडारी का, शंकर भगवान का काफ़ी बड़ा भक्त था रावण, ठीक है। और रावण ने क्या किया, जब उनको पता चला ना कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी को, पार्वती माँ को, सोने का महल जो है गिफ्ट किया है, तो उसको, रावण को लगा कि नहीं, ये सोने का महल तो मेरा होना चाहिए। तो उसने क्या किया, योजना बनाई। योजना बना के उसने, रावण ने जो है साधु का वेश धारण किया और शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शंकर भगवान के पास जाके साधु के वेश में पता नहीं कुछ क्या किया रावण ने, क्या नहीं किया, ज़्यादा जानकारी मेरे को है नहीं, लेकिन मेन चीज़ें पता है। तो वो सोने का महल दक्षिणा में मांग लिया। अब शंकर भगवान दयालु थे, दानी थे, उनसे कोई कुछ मांगे और ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या है, भोले भंडारी ने क्या है, वो महल जो है साधु को दे दिया, जो असल में रावण था। तो तब जो है ये कहानी निकल के आई थी कि पार्वती माँ के पास जो सोने का महल था वो कुछ ही दिन रुक पाया था, रावण ने उसको छल से ले लिया था।